जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि टर्की के द्वारा जो S-400 मिसाइलों का परीक्षण किया गया था वो एक तरीके से विफल हुआ। मतलब टर्की द्वारा जो रशिया से S-400 खरीदा गया वो अब टर्की के लिए बेकार ही है। बिना रशिया के मदद से इन मिसाइलों को टर्की और ऑपरेट भी नहीं कर सकता है और ना ही टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे समय में टर्की द्वारा इन S-400 का क्या किया जाएगा? क्या अमेरिका के ऑफर मानते हुए टर्की द्वारा इन मिसाइलों को अमेरिका को बेच दिया जाएगा ताकि फिर से अमेरिका और टर्की के में जो रिश्ता पहले जैसा था वो फिर पहले जैसा मधुर हो जाए? दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को उन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा S-400 फेल होने के बाद अब टर्की द्वारा अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरफ आगे बढ़ा जाएगा और इससे रशिया को क्या खतरा हो सकता है। दोस्तों हाल ही के दिनों में जो टर्की का S-400 मिसाइल का परीक्षण था वो असल में फेल होने के पीछे S-400 के कोई भी खामियां नहीं था, बल्कि इसके पीछे असल खामियां टर्की के नियत को लेके था। दोस्तों टर्की द्वारा S-400 रशिया से तो हासिल किया गया लेकिन टर्की के नियत में खोट था, इसीलिए टर्की इन मिसाइलों को रशिया के परमिशन के बिना ही इस्तेमाल करना चाहता था। इवन पहला बैच का डिलीवरी के बाद ही टर्की द्वारा बताया गया था कि दूसरे मिसाइलों के डिलीवरी के साथ साथ इन मिसाइलों के ऊपर से रशिया के एसएस को हटा दिया जाएगा। मतलब इन मिसाइलों को टर्की अपने बलबूते पे इस्तेमाल करेगा और रशिया का इस पे किसी तरीके का कोई भी कंट्रोल या प्रतिबंध नहीं रहेगा। दोस्तों इस बयान के बाद ही पता चल गया था कि टर्की के नियत में खोट है और ये इन मिसाइलों को रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों जहां पे ये बयान टर्की के द्वारा पहले बैच के मिसाइलों को हासिल करने के बाद दिया गया वहीं पे रशिया को इसका भनक पहले से ही लग चुका था और इसका बंदोबस्त रशिया पहले से ही कर चुका था। पर उस समय तक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि टर्की इस तरीके से अपना असल चेहरा दिखाएगा। पर जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई शुरू हुआ तो टर्की धीरे धीरे करके अपना असल चेहरा दिखाने लगा। दोस्तों इस लड़ाई के दरमियान जब टर्की द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया गया तो इन मिसाइलों को विफलता का स्वाद चखना पड़ा और दोस्तों इसके पीछे असल कारण रशिया ही है। रशिया इतना बेवकूफ नहीं है कि वो टर्की जैसे नेटो मेंबर देश को S-400 मिसाइल जैसे एडवांस रेंज मिसाइल का सप्लाई कर दे और वो अपने ही खिलाफ एक दुश्मन को और मजबूत करे। पर दोस्तों जो भी हो इसमें सबसे बड़ा नुकसान टर्की को हुआ। टर्की के हाथ से F-35 जैसे एडवांस रेंज मिसाइल सिस्टम गया, यूरोप के देशों का सपोर्ट गया, पैसा खर्चा करके खरीदा हुआ S-400 भी कोई काम का नहीं रहा और बदले में एडिशनल बहुत सारे दुश्मन भी टर्की का पैदा हो गया। दोस्तों ऐसे मौके में अब टर्की के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है S-400 के जगह में कुछ अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना। पर दोस्तों जिस तरीके से टर्की द्वारा अमेरिका को धोखा दिया गया उससे तो पता चल ही रहा होगा कि अमेरिका अब टर्की के ऊपर इतना आसानी से विश्वास नहीं करेगा। हाल ही के दिनों में न्यूज रिपोर्ट में यह भी पता चल रहा है कि टर्की फिर से एक बार पेट्रियॉट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बयानबाजी कर रहा है और टर्की के कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी बयान दिया जा रहा है कि S-400 होने के बावजूद टर्की पेट्रियॉट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। दोस्तों इसके पीछे टर्की का लाचारी ही दिख रहा है क्योंकि उसके पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रहा। अमेरिका के एलाई देश भी अब टर्की का दुश्मन बन रहा है जबकि रशिया ऑलरेडी अर्मेनिया और अजरबैजान के लड़ाई के वजह से टर्की के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे टर्की हथियारों का भी नुकसान टर्की को झेलना पड़ा और धीरे धीरे करके टर्की के ऊपर हवाई खतरा भी मंडरा रहा है। दोस्तों इस बीच में टर्की द्वारा ये भी प्रयास किया गया कि अमेरिका के अलावा किसी और देश को ढूंढा जाए जहां से वो अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीद पाए। सुनने को ये भी आया है कि इटली और फ्रांस द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टमों को टर्की खरीदना चाहता है। पर दोस्तों इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि टर्की जिस तरीके से ग्रीस के खिलाफ अपने तैनाती को कर रहा है और ऊपर से फ्रांस जिस तरीके से ग्रीस के सपोर्ट में आगे आया हुआ है उससे चांस कम ही है कि फ्रांस राजी हो जाए कि इस तरीके का हथियार टर्की को सप्लाई किया जाए, क्योंकि फ्रांस अपने राफेल एयरक्राफ्टों को ग्रीस को दे रहा है तो राफेल के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम तो टर्की को कभी नहीं देगा। दोस्तों ऐसे मौके में टर्की के सामने अब अमेरिका के सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा और ऊपर से टर्की का दुश्मन जब से रशिया बना हुआ है तब से अमेरिका के अलावा कोई भी उसे बचा नहीं सकता। और दोस्तों अमेरिका के विश्वास को जीतने के लिए शायद अब टर्की S-400 मिसाइल सिस्टम अमेरिका के हवाले कर दे। बीते कई सालों से अमेरिका इन सिस्टमों को हासिल करना चाहता है ताकि इन सिस्टमों के खूबियों के बारे में जान पाए और अमेरिका ये इसलिए चाहता है क्योंकि अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे एडवांस तरीन स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ ही रशिया द्वारा S-400 को बनाया गया है। इवन अगर दुनिया के किसी हथियार के पास F-35 या F-22 को मार गिराने का क्षमता है तो वो है S-400 और S-400 के तोड़ निकालने के लिए अमेरिका भरपूर प्रयास कर रहा है। हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि अमेरिका द्वारा एक बार फिर से टर्की को ऑफर किया गया था कि अगर टर्की S-400 सिस्टम के टेक्नोलॉजी और उसके डेटा को अमेरिका के हवाले कर दे तो अमेरिका और टर्की के बीच में जो रिश्ता खराब हुआ है वो फिर से पहला जैसा हो सकता है। दोस्तों टर्की अमेरिका के साथ रिश्ते को सुधार के बहुत सारे नया अचीवमेंट को हासिल कर सकता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में चलने वाले लड़ाई में जिस तरीके से टर्की अपना हाथ को आगे बढ़ाया है उस हाथ को भी एक तरीके से टर्की सुरक्षित कर पाएगा। इवन रशिया के खिलाफ जिस तरीके से अब टर्की के अगेंस्ट में
अलायंस बन रहा है उससे भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नेटो देश और अमेरिका का जरूरत है। इसके अलावा इसराइल जैसे देशों का खतरा तो टर्की के ऊपर मंडरा ही रहा है। ऐसे मौके में अगर टर्की और अमेरिका का रिश्ता फिर से एक बार सुधर जाए तो इसराइल का खतरा भी घट जाएगा और टर्की के पास रशिया के खतरे से निपटने के लिए हथियार का सप्लाई भी बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ऐसे मौके में क्या S-400 आने वाले समय में इतना लिथल हथियार नहीं रहेगा? अगर अमेरिका के हाथ में S-400 पहुंच जाता है तो इससे रशिया को क्या नुकसान होगा और S-400 को क्या नुकसान होगा? दोस्तों S-400 की टेक्नोलॉजी अगर किसी भी हालत में अमेरिका के हाथ पहुंचता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान रशिया को ही होगा, चाहे वो मिलिट्री पावर में हो या फिर इकोनॉमिक नुकसान हो। वैसे अगर देखे तो अमेरिका के दुश्मन देशों के द्वारा या रशिया के बहुत ही करीब देशों के द्वारा ही S-400 को खरीदा जा रहा है और ये एक तरीके से रशिया के इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे मौके में अगर S-400 के खामियों को दुनिया के सामने लाया जाता है और अमेरिका द्वारा इसे एक्सपोज करते हुए अपने सिस्टमों को एडवांस किया जाता है तो रशिया के पूरा का पूरा एयर डिफेंस चरमरा सकता है। इवन रशिया जो S-400 एक्सपोर्ट किया है खास करके इंडिया और चाइना को, उसमें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है और फ्यूचर के ऑर्डर मिलने से तो ना रहा। पर दोस्तों घबराने का इतना बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रशिया इन बातों को ध्यान में रखा ही होगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की जब रशिया को दरकिनार करते हुए S-400 का इस्तेमाल करने का कोशिश किया तो उसमें उसे सफलता नहीं मिला। तो रशिया इन बातों का भी ध्यान रखा होगा कि टर्की जिस तरीके का दोगला देश है वो कभी भी पलट सकता है और रशिया के पीठ में भी वार कर सकता है। इसलिए रशिया पहले से ही इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिन S-400 का सप्लाई टर्की को किया होगा उसमें शायद ही ऐसा कोई खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा कि उसके बारे में अमेरिका को ना पता हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका अगर टर्की से कुछ S-400 को हासिल भी कर लेता है तो अमेरिका को उससे ज्यादा ऐसा कुछ जानकारी ना मिले जिसका इस्तेमाल अमेरिका रशिया के खिलाफ करे। पर दोस्तों वहीं पे दूसरे तरफ भारत के लिए इसमें इतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं होगा क्योंकि भारत के कोई भी दुश्मन देशों के पास ऐसा कोई अमेरिकी हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल भारत के S-400 के खिलाफ किया जाए, ना ही चाइना और ना ही पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका से आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक हथियार को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों अगर S-400 के खुफिया जानकारी अमेरिका के हाथ में भी लग जाता है तो भारत में जो S-400 है उसके लिए उतना खतरा नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं होता है या पाकिस्तान जैसे देश को अपना हथियारों का सप्लाई शुरू करता है। दोस्तों फिलहाल तो इन बातों को सोच के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आने वाले कुछ दशक तक तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जब तक अमेरिका चाइना का काम तमाम नहीं करता है तब तक अमेरिका भारत के साथ दोस्तीपूर्ण रिश्ता ही आगे रखेगा। इवन जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल रिश्ता है इसे देखते हुए ये भी लग रहा है कि एटलीस्ट दोनों देशों के बीच में कोई भी अनबन तब तक नहीं आएगा जब तक अमेरिका या भारत इनमें से कोई एक देश चाइना को पूरा निपटाना दे। अमेरिका के लिए फिलहाल अभी प्राइम एनिमी चाइना है, जबकि अमेरिका के नीतियों को अगर देखा जाए तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि आने वाले समय में अमेरिका भारत को भी एक दुश्मन के तरह देखे, क्योंकि भारत का प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आने वाले समय में अमेरिका को भी खटकेगा और तब तक के लिए भारत का S-400 भी सेफ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।